हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का फुल टॉपिक, जिससे दोस्तों आपके बैंक, एसएससी और रेलवे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोट एंड स्ट्रीम से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को यहाँ पर मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुल टॉपिक, जिसमें हम ऑल टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही बनने यहाँ पर लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे ही टाइप्स के हर दो क्वेश्चंस को यहां पर मैं डिस्कशन करवाऊंगा, और लास्ट में यहां पर मैं आपके लिए हाई लेवल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम के मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तब तक आपको सवाल करने में हो सकता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर डिफिकल्टी हो सके, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कशन करेंगे, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करवा दूंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट अगर मैं बताता हूँ तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही नाम आपको याद रखना है, जो कि है डाउन स्ट्रीम। वहीं अगर हम हिंदी में देखें तो इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, जैसे कि धारा की दिशा में, एक तो ये हो गया कि आपका धारा की दिशा में हो गया, धारा की दिशा में हो गया, उसके बाद धारा के अनुकूल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, यही इसको अनुप्रवाह भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अनुप्रवाह। और एक और नाम इसको कहा जाता है, जो कि कहा जाता है कि धारा के साथ, धारा के साथ। तो देखिए, अगर आप सिर्फ इंग्लिश में याद रखते हो तो आपको सिर्फ डाउन स्ट्रीम याद रखना पड़ेगा, अगर आप हिंदी से हो तो धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह, धारा के साथ, कोई सा भी नाम यहां पर आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाता है। देखिए, यहां पर आपको मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे ये हो गई आपकी धारा हो गई है ना, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये हो गई आपकी धारा, ये आपकी क्या हो गई धारा। धारा को आपको किससे डिनोट करना है? यू से डिनोट करना है, किससे? यू से। और ये हो गई आपकी बोट, यहाँ पर मैं बना देता हूँ बोट, है ना, जिससे कि आपको समझने में यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो। देखिए, ये हो गई आपकी बोट, यानी कि क्या हो गई आपकी, ये हो गई नाव। तो देखिए, नाव को आपसे वी से डिनोट करना है और धारा को आपको यू से डिनोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हर बार वहां पर हम क्वेश्चंस में नाव और धारा नहीं लिखेंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई नाव धारा के साथ जाती है तो आपको क्या करना है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी, क्योंकि धारा की स्पीड भी एड हो जाएगी और नाव की भी, दोनों की सेम डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पर आपकी जो नेट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? यहां पर आपकी नेट स्पीड हो जाएगी v प्लस यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? v प्लस यू, क्योंकि जब आप धारा की दिशा में जाते हो तो आपकी जो है स्पीड क्या हो जाती है, यहां पर जुड़ जाती है। तो नेट स्पीड बराबर आपकी क्या हो जाएगी यहां पर? v प्लस यू। ये क्या है आपकी? धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह और धारा के साथ। वही यहां पर डाउन स्ट्रीम के बाद एक पॉइंट आपका निकल के आता है, जिसको हम सेकेंड पॉइंट बोलते हैं, जो कि होता है आपका अप स्ट्रीम। क्या होता है फ्रेंड्स? अप स्ट्रीम। तो देखिए, अप स्ट्रीम को भी आप अच्छे से समझिए, यहां पर इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अप स्ट्रीम यहां पर बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसको प्रतिकूल दिशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिकूल दिशा कहा जाता है। उसके बाद यहां पर धारा के विपरीत दिशा भी कहा जाता है, कई बार धारा के विपरीत दिशा, है ना। और यहां पर इसको कहा जाता है ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऊर्ध्व प्रवाह। तो ये तीन नाम आपको यहां पर याद रखने हैं, तीनों में से कोई भी आपको यहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस में बोला जा सकता है, या तो धारा के विपरीत दिशा बोला जा सकता है, या प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल दिशा, या ऊर्ध्व प्रवाह दिशा। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हो गई आपकी धारा, है ना, तो ये आपकी धारा जो है ये विपरीत दिशा में, मतलब ये धारा जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में बह रही, मतलब इधर की तरफ, है ना, तो ये आपको यू से डिनोट करना है। वही आपकी ये हो जाएगी बोट हो जाएगी, जिसको मैं बना देता हूँ, है ना, आप एडजस्ट करिएगा। तो ये हो जाएगी आपकी V, यानी कि आपकी नाव जो है इस डायरेक्शन में चल रही है और धारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। तो यहां पर आपकी जो नेट स्पीड हो जाएगी फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगी? नेट स्पीड बराबर दोनों का डिफरेंस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? V माइनस यू। तो आपको यहां पर धारा के विपरीत दिशा में बोले तो आपको क्या करना है? दोनों का डिफरेंस करना है ना, तो यहां पर आपकी नेट स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ये है आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बेसिक से हैं, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप समझ के रखिए यहां पर। उसके बाद देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बराबर आपका यहां पर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इंटू समय।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इजी सा फॉर्मूला है क्योंकि इस फॉर्मूले का हम यूज यहां पर आगे क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है जब, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड इनटू समय होता है। देखिए यहां पर मैं आपको और भी बेसिक कांसेप्ट बताता हूं जो कि आप समझ के रखिए। देखिए एक और यहां पर होता है आपका स्टिल वाटर, क्या होता है फ्रेंड्स, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर जिसको हम कहते हैं शांत जल में, ना तो देखिए शांत जल, शांत जल में, तो देखिए अगर आपको स्टिल वाटर दिया हो या शांत जल में, तो यहां पर आपकी स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी यहां पर, यानी कि नाव की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, नाव की चाल आपकी हो जाएगी यहां पर, नाव की चाल आपकी हो जाएगी v किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम नाव को v से डिनोट करते हैं। वहीं आपको यहां पर धारा की चाल पूछा जाए, धारा की चाल, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, धारा की चाल आपको डिनोट करना है U से, U किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि V मतलब क्या होता है और U मतलब क्या होता है, तो V मतलब आपका होता है नाव और U मतलब होता है आपका धारा, है ना। तो ये स्टिल वाटर में जब हो तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया आपका एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, उसके बाद ये लास्ट वाला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के रखिए क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आपकी डिस्टेंस यानी कि जब आपकी दूरी नियत हो, यानी कॉन्स्टेंट हो, है ना, दूरी आपकी क्या हो यहाँ पर, नियत हो, तब आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब v plus u मतलब क्या होता है आपका धारा की दिशा में, और v minus u यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v minus u, तो आपको पता है कि जब आप धारा की दिशा में जाते हो, है ना, जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो आपको पता है यहाँ पर कि समय जो है आपका क्या लगेगा, कम समय लगेगा क्योंकि धारा की भी स्पीड होती है, तो आपका समय क्या लगेगा, कम। लेकिन जैसे ही आप धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो आपका समय क्या हो जाएगा, आपका समय बढ़ जाएगा, है ना, ज्यादा समय लगेगा आपको क्योंकि आपको धारा रोकेगी भी सही, तो धारा के विपरीत जाओगे तब आपका समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्यादा लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब आपको v प्लस यू और v माइनस यू का रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है कि अपोजिट कर देना है, बस ये समझ के रखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। तो देखिए अगर मैं इसका रेशियो बनाता हूं तो v प्लस यू और ये हो जाएगा आपका v माइनस यू, तो बराबर, तो आपको क्या करना है अपोजिट, तो v प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका ज्यादा वाला समय, ज्यादा वाला समय, और नीचे क्या आएगा आपका, कम वाला समय, जब आपकी डिस्टेंस क्या हो यहाँ पर, कांस्टेंट हो, तब की बात कर रहा हूं ना, कम वाला समय, ये क्या हो जाएगा आपका, कम वाला समय। इसको सिर्फ आप समझ के रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड विदाउट पेन और पेपर के सोल्व कर लो, बस इतना समझ के रखना है आपको कि अपोजिट हो जाएगा, वी प्लस यू क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा वाला समय हो जाएगा, और v माइनस यू क्या हो जाएगा आपका, कम वाला समय हो जाएगा जब हम रेशियो में इसको लिखेंगे ना। तो देखिए ये है आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे सवाल पर जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए टाइप वाइज यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ टाइप वाइज बनाता हूँ, इनमें सारे ही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड एंड स्ट्रीम के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे ही कवर यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए टाइप फर्स्ट यहाँ पर एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको आगे आने वाले टफ क्वेश्चन भी आप इनको विद इन अ सेकंड सोल्व कर पाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कि एक नाव की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल जो है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को मैंने बोथ लैंग्वेज में लिया है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप चाहो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो एक नाव की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखिए नाव की चाल मतलब आपको पता है यहाँ पर कि v बराबर आपका दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आ रहा है ना, ये क्या है आपकी स्पीड है, और नदी की चाल आपको दी हुई है जो कि क्या है आपकी u बराबर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बोला है कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में आपको चाल बतानी, देखिए बेसिक सा क्वेश्चन से, सिंपल सा क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए कि जब धारा की दिशा में आप जाओगे तब आपको क्या करना है कि दोनों का योग करना है, तो v प्लस यू दोनों की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस यू यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 और 6 ये क्या हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की दिशा में हो गई। वहीं धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा यानी क्या हो जाएगा v माइनस यू, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए 8 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आर। तो देखिए पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक सा क्वेश्चन से आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑल टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको जो है क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, उसको पकड़ना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस बोला है। तो एक नाव की धारा के साथ गति, देखिए क्या बोला है कि धारा के साथ गति, धारा के साथ गति यानी आपको पता है कि वी प्लस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति आपको दी हुई है, धारा की गति यानी आपको यू बराबर दिया हुआ है कितना है, यहाँ पर ये है 4 किलोमीटर पर आ रही है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको पूछा क्या है कि वी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब वी बराबर आपको वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप इक्वेशन माइनस कर लीजिए, तो देखिए यू से आपका यू कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच क्या जाएगा, वी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आ। तो V यानी कि नाव की चाल आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल आपकी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर सेकंड, तो ये टाइप नंबर सेकंड में यहाँ पर बोला गया है कि ये किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, देखिए यहाँ पर बोला है कि किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल वो क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल आपको यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सोल्व करना है आप वो समझ के रखिए। तो सबसे पहले बोला है कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल यानी कि क्या हो जाएगा आपका v प्लस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं आपको बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आपको बोला क्या है कि शांत जल में व्यक्ति की चाल आपको ज्ञात करनी है, मतलब स्टिल वॉटर में आपको क्या करनी है, व्यक्ति की चाल यानी कि वी बराबर आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो आपको यहां पर दिख रहा है देखिए U से आपका U कट जाएगा, प्लस माइनस है ना, बच क्या जाएगा यहां पर इन दोनों को ऐड कर लिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2V बराबर इनका भी योग कर लिए तो कितना हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका 16, तो 2 से कैंसिल कर लेंगे तो V बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर बोला क्या है आपको कि व्यक्ति की चाल बताइए, तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो यहां पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के साथ गति जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक नाव की जो है धारा के साथ गति जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध गति जो है वो है आपकी यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो नाव की धारा के साथ गति दी हुई है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वी प्लस यू बराबर कितना है, ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वही यहाँ पर धारा के विरुद्ध बोला है तो v माइनस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आर। ये दोनों की स्पीड दी हुई है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने v बराबर ज्ञात किया था, इस बार हमसे पूछा है कि u यानी कि धारा की स्पीड आपको यहाँ पर बतानी है, यानी कि आपको v को कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए आपको साइन यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा वी से वी। और देखिए प्लस और प्लस यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4, इसको कैंसिल करेंगे तो यू बराबर आपका कितना आ जाएगा, यू बराबर आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी धारा की स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएंगे। तो ये आपके इजी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनको भी किस तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम जो है आगे टफ लेवल के भी क्वेश्चन को यहाँ पर आसानी से सोल्व करने वाले। तो देखिए नेक्स्ट का आपका जो है नेक्स्ट टाइप नंबर 3, तो देखिए टाइप नंबर 3 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आप समझ के रखिए कि एक नाव नदी के प्रवाह के साथ क्या बोला है कि नदी के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, तथा नदी प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेती है, तो बताओ नदी की चाल आपको यहां पर ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन आप समझ के रखिए कि एक नाव नदी के प्रवाह के साथ, तो आपको यहां पर क्या पता है कि v प्लस यू बराबर यहां पर क्या है, दूरी और समय। तो देखिए दूरी यहां पर है और यहां पर है समय, तो देखिए दूरी को अगर मैं समय में डिवाइड करूंगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां पर चाल आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है
ना, देखिए यहाँ पर आपको पूरा लिखना नहीं है कि यहाँ पर 40/5 करा, आप वहीं पर सोल्व कर लीजिए, 5/40 तो ये आपकी हो जाएगी वी प्लस यू बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं यहाँ पर हम देखिए वी माइनस यू बराबर, तो देखिए 32 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे का समय, तो यहाँ पर 8 से 32 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 32, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्पीड। अब आपको बोला क्या है यहाँ पर, बोला यह है कि नदी की चाल आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी कि आपको u बराबर ज्ञात करना है, तो ये बस आप साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो देखिए ये v से आपका v कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2u बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो u बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, तो u बराबर स्पीड क्या हो जाएगी आपकी ए वाला ऑप्शन, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेसिक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा v प्लस यू, आपको पता है कि ये चाल है ना, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40/5, तो यहाँ से भी कितना निकल के आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए सेम है यहाँ पर, मैंने डायरेक्ट करके बता दिया, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, वहीं वी माइनस यू भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको एग्जाम में जो है विद इन अ सेकंड क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक नाविक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, परंतु धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लेता है, तो बताओ शांत जल में नाव की चाल यहाँ पर क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि एक नाविक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि v प्लस यू बराबर 32, यहाँ पर क्या है दूरी, देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के बताता हूँ कि देखिए स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है टाइम हो जाता है, ये आपको पता है। तो देखिए डिस्टेंस आपकी 32 है, टाइम आपका 4 आवर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे तो 4/32 यानी क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं v माइनस यू आपका कितना हो जाएगा, देखिए बोला क्या है कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा अतिरिक्त समय लेता है, 30 किलोमीटर जो है कि दूरी जो है वो तय करने में 1 घंटा अतिरिक्त समय लेता है, यानी पहले 4 घंटे लेता था तो अब कितना लेगा 5, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5×30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर बोला क्या है कि शांत जल में जो है नाव की चाल क्या होगी, यानी v बराबर आपको ज्ञात करना, तो देखिए u से आपका u कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2v बराबर, इन दोनों का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 किलोमीटर पर आवर, इसको कैंसिल करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, देखिए इसी सेम टाइप में यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में जो है 30 किलोमीटर की दूरी जो है 5 घंटे में तय कर सकता है, नाविक में की जो है शांत जल में आपको चाल बतानी। देखिए दोस्तों आप जब भी किसी टॉपिक को सोल्व करो तो आपको जो है जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको याद भी यहाँ पर रहेगा। तो आपको जो है मैं प्रैक्टिस भी करवाता चला जा रहा हूँ, हर टाइप में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कोई भी बुक यहाँ पर परचेस करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको पता है कि वी प्लस यू बराबर आपको दिया हुआ है 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो 4 से जो है 48 को डिवाइड करेंगे तो कितनी स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं हम वी माइनस यू देखें तो वी माइनस यू कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यानी ये स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको v ज्ञात करना है, देखिए बोला क्या है कि नाविक की शांत जल में चाल, यानी कि आपको v बराबर जो है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, u से आपका u कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2v बराबर 12/6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 18, तो v बराबर आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि टाइप नंबर आपका क्या है यहाँ पर 4 है। दो स्थान P तथा Q के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है, एक तैराक की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब आपको यहाँ पर समय बताना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दो स्थान है जो कि है P और Q, जिनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो दूरी जो है
डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 72 किलोमीटर है। क्या है यहाँ पर 72 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस दी हुई है। अब बोला क्या है कि शांत जल में चाल जो है वो आपको दी हुई है, तो देखिए v बराबर आपका दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आर, और u बराबर आपको दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बोला क्या है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब हम स्पीड निकालते हैं ये यू है आपका है ना, तो नेट स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, नेट स्पीड यहां पर हो जाएगी आपकी दोनों का योग यानी कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 नहीं 12 हो जाएगा ना, 8 और 4 कितना होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला क्या है कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब ये जो दूरी है यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है तो कितना समय लगेगा, तो आपको पता है कि समय बराबर टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो आपको समय बराबर ज्ञात करना है, डिस्टेंस आपके सामने दी हुई है कितनी है 72 किलोमीटर है, चार कितनी है यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 छंग 72, तो समय आपका कितना हो जाएगा 6 आर, यानी कि 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 27 किलोमीटर प्रति 27 किलोमीटर है, स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नदी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ नाव दूसरे बिंदु तक जाने व आने में कुल कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन जो है अलग हो चुका है, बोला क्या है कि बताओ वह नाव दूसरे बिंदु तक जाने और आने में कुल कितना समय लेगी, तो आपको यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया आपके दो बिंदु, ये हो गया आपके दो बिंदु जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 27 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि नाव की आपको स्पीड दी हुई है v बराबर आपको दिया हुआ है कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, u बराबर आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पहले क्या करना है, यहां से यहां तक जाना है और फिर जाकर जो है वापस आना है, यानी कि सबसे पहले अगर यहां पर हम बात करें तो धारा की दिशा में नेट स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, नेट स्पीड आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी, जब आप जाओगे तो कितना हो जाएगा 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर आप जब धारा की विपरीत दिशा से आओगे तब आपकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोनों का डिफरेंस यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ज्ञात करना है समय, समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे चाल, तो बस दूरी आपको देखिए 27 किलोमीटर आप जाओगे तो वापस आप आओगे तब भी तो 27 किलोमीटर की ही दूरी यहां पर तय करोगे ना, तो देखिए यहां पर आपको पता है 27 किलोमीटर की दूरी जब धारा की दिशा में जाओगे तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 18 प्लस। अब प्लस का साइन इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि देखिए धारा की दिशा में जाकर वापस आना है तो टोटल समय आपको ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहे हैं। तो देखिए 27 और यहाँ पर आपका नेट स्पीड क्या है धारा के विपरीत दिशा यानी v माइनस u क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर आप हर जो है बराबर कर लीजिए। देखिए इधर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 और ये भी 18, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 18, ये क्या हो जाएगा आपका 27। 27 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 3 कितना होता है आपका 81 होता है। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए तो 81 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा आपका 18, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 घंटे, तो आपका जो समय निकल के आएगा वो क्या जाएगा फ्रेंड्स 6 घंटे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे लेता है, तो धारा की चाल आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो आपका मैं पूरा बेसिक बताऊंगा और दूसरा आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि क्या इसमें होने वाला है। तो देखिए एक तैराक की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि v बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, ये आपका क्या दिया हुआ है तैराक की चाल दी हुई है, वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे का समय लेता है और धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल आपको क्या करनी है दोस्तों ज्ञात करनी है, यानी कि u बराबर आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो u बराबर हम मान लेते हैं कि धारा की चाल क्या हो जाएगी फ्रेंड्स x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो v प्लस u दोनों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं v प्लस u बराबर यहां पर कितना हो जाएगा आपका
एट प्लस एक्स, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाती है, धारा के साथ आपकी स्पीड जो है जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत जाएगा तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, तो v माइनस यू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, v माइनस यू बराबर आपका हो जाएगा एट में से माइनस आप एक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी स्पीड एट माइनस एक्स। अब आपको पता है कि जब धारा के साथ जाता है तो समय कितना लेता है, देखिए धारा के साथ जाने में आपका 3 घंटे का समय ले रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि समय जो है वो 3 घंटे का ले रहा है। वहीं अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो कितना समय ले रहा है, धारा के विपरीत जो है टोटल आपका समय ले रहे हैं 9 घंटे, कितने हो जाएंगे ये आपका 9 घंटे हो जाएंगे। अब आपको यहां पर पता है कि डिस्टेंस बराबर, देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है स्पीड इंटू क्या होता है समय, ये आपका फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए आपको यहां पर ये स्पीड दी हुई है, समय दिया हुआ है, यहां पर भी स्पीड दी हुई है और समय दिया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ये बराबर हो जाएंगे। तो स्पीड आपकी कितनी दी हुई है, देखिए स्पीड यहां पर ये आपकी क्या हो जाएगी एट प्लस एक्स, और समय क्या हो जाएगा आपका इंटू थ्री, और वहीं पर ये यहां पर क्या हो जाएगा एट माइनस एक्स, और आपका समय कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू ही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x बराबर हमने क्या माना है यहाँ पर वेग, यानी कि धारा का वेग, u बराबर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर लीजिए कि ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 9 8 72 माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9x। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 12x बराबर 24 को जब आप इधर लाके माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपका 48, मतलब 72 में से आप 24 माइनस करोगे तो आपका 48 हो जाएगा, तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 4 48, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स x बराबर आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ये तो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आपको यहाँ पर स्पीड बराबर यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि नाव की चाल लिखनी पड़ेगी, है ना, नाव की चाल, और यहाँ पर धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल, और बराबर आपका क्या हो जाएगा एक बार तो समय का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा समय का योग, और डिवाइड में क्या हो जाएगा समय का अंतर। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, समय का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स अंतर, जिससे ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है ना। तो देखिए नाव की चाल आपको दी हुई है कितनी है यहाँ पर 8 है, तो लिख देता हूँ 8, और धारा की चाल नहीं पता है तो x मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x, समय का योग तो देखिए यहाँ पर 3 और 9 दोनों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12, और समय का अंतर 9 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 6, तो देखिए यहाँ पर 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर धारा की चाल हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, हालांकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाविक की चाल आपको क्या करनी है फ्रेंड्स ज्ञात करनी। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको धारा की चाल दे दी गई है और नाविक की चाल पूछ ली गई। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक तरीके से जो है उसको आप करके देखिएगा, है ना। यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि देखिए नाभिक की चाल जो कि हमको ज्ञात करनी है तो x कर लीजिए, डिवाइड में धारा की चाल आपको दी हुई है कितनी हो जाएगी 2 दी हुई है, बराबर समय का योग, तो देखिए 4 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4। भाई इसको आप सोल्व करिए, देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी जो नाव की चाल, नाविक की चाल है वो क्या हो जाएगी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए विद इन अ क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आप, बस आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पूरा यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि नाविक की चाल, धारा की चाल, समय का योग, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज खुद से करना हो तो सिर्फ एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप ट्राई करिएगा, उससे भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6, देखिए टाइप यहाँ पर चेंज हो चुका है। देखिए टाइप नंबर 6 में बोला गया है कि एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो है 6 किलोमीटर प्रति
घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने में व आने में 7 घंटे 12 मिनट लेती है, तो बताओ स्थानों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, ये आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को आप किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आपको शांत जल में चाल दी हुई है, तो शांत जल में चाल मतलब आपको v बराबर दिया हुआ है कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वही यहाँ पर आपको u बराबर भी दिया हुआ है जो कि कितना है 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद बोला है कि नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने में, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। बोला क्या है कि ए से बी तक जाने में, मतलब सबसे पहले यहाँ पर ए से बी तक गए, फिर क्या हुआ कि बी से ए तक वापिस आने में टोटल आपका समय कितना लगा है। देखिए टोटल आपका जो टाइम लगा है वो लगा है आपका 7 घंटे और 12 मिनट, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 घंटे और 12 मिनट का समय लगता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है डिस्टेंस, आपको क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चंस को मैं आपको दो तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बेसिक तरीके से देख लेते हैं कि बेसिक से इसको किस तरीके से करेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो देखिए लास्ट में आपसे पूछा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, मतलब ये यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर आप दूरी बराबर एक्स किलोमीटर मान लेते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। देखिए आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फॉर्मूला होता है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है 7 घंटे 12 मिनट, तो देखिए 12 मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं घंटे में, तो ये क्या हो जाएगा 12/60 हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 12 × 12 = 60, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, और ये कितना हो जाएगा आपका 36/5, ये क्या हो गया आपका घंटे में समय चेंज हो चुका है, इतना आपको पता है ना। तो देखिए समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे चाल, तो समय आपको दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ 36/5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 बराबर। आपको देखिए दूरी क्या है यहाँ पर एक्स है, अब चाल देखिए यहाँ पर बोला है कि धारा की दिशा में, और देखिए यहाँ पर बोला है कि ए से बी तक जाने में, तो जब आप ए से बी तक जाओगे तो आप धारा के साथ जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी प्लस यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वी प्लस यू 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जब आप जाओगे तो आप धारा की दिशा में जाओगे, लेकिन जब आप वापस से बी से ए में आओगे तो आप धारा के विपरीत आओगे, तो वी माइनस यू कितना हो जाएगा आपका वी माइनस यू हो जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर/hr, ये आपकी स्पीड हो गई। तो बस आपको देखिए सबसे पहले धारा के साथ जाओगे तो कितना हो जाएगा, दूरी आपकी एक्स है, चाल आपकी क्या है यहाँ पर 10 है, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए एक्स बटे 10 प्लस, अब प्लस का साइन को लगाया क्योंकि यहाँ पर टोटल आपको समय दिया हुआ है ए से बी तक गए और बी से ए तक गए, इसलिए आपको यहाँ पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर देखिए धारा के विपरीत यहाँ पर क्या स्पीड हो जाएगी 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर आपको बताऊंगा लेकिन आप इसको भी समझ के रखिए। देखिए यहाँ पर इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 36/5, ये तो आपका 5 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई x में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा आपका 36/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x/10 कितना हो जाएगा 10, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल के आएगा, x बराबर आएगा आपका 12 किलोमीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस यहां पर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही में, यहां पर लिख रहा हूं ना ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर, मतलब ए से बी तक। ये तो है आपका बेसिक तरीका एकदम। अब यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें तो आपको पता है कि धारा के साथ जा रहे हैं तो चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद धारा के विपरीत आ रहे हैं तो चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल आपका समय दिया हुआ है 36/5, तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि चालों का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × 2 और इनका योग नीचे लिख देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और समय आपका क्या लग रहा है यहाँ पर 36/5, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 36/5, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 12 से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 × 10, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो देखिए एक लाइन में भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, अगर ये तरीका आपको, ये है आपका शॉर्ट ट्रिक है,
और ये है आपका बेसिक। तो दोनों ही तरीके आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आप ट्रिक जो है भूल जाते हो, तो यहाँ पर अगर आपको टोटल समय दिया हो तब आपको क्या करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों का योग नीचे और मल्टीप्लाई यहाँ पर समय कर देना है ना, तो इतना आपको यहाँ पर करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक व्यक्ति, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, हर टाइप के दो दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह किसी स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, तो बताओ उस स्थान की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लिया करें आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा, v बराबर आपको दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आर, ये आपकी स्पीड है, और u बराबर आपको दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आर, ये आपकी क्या है, स्पीड है। अब आपको जो है किसी स्थान से, मतलब यहाँ पर दो स्थान हो गए, सबसे पहले ये आपका हो गया दो स्थान, अब यहाँ से सबसे पहले आप जा रहे हो और वापिस से क्या है आ रहे हो, तो देखिए डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। जब भी आप किसी दूरी को तय करते हो, जैसे आप यहां से कहीं भी अपने पास में कहीं भी जाते हो, तो दूरी आपकी चेंज नहीं होती, स्पीड आपकी चेंज हो सकती है। तो आपको यहां पर क्या पता है कि फर्स्ट बार जब जाओगे आप, तो धारा के साथ जाओगे, तो धारा के साथ जाओगे तो आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, वी प्लस यू बराबर इन दोनों का योग, तो 7 और 1 8 और 0.5 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, धारा के विपरीत आओगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस U, तो ये कितना हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6, यानी 6 किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, क्योंकि बेसिक मैंने एक बार बता दिया है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले आपको समय कितना दिया हुआ है, टोटल आपका समय लगता है 50 मिनट, तो इसको आप घंटे में चेंज कर लेंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 60, तो ये आपका घंटे में चेंज हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, यानी 5/6। अब आपको क्या करना है कि चालों का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी 9 × 6, तो यहां पर मैं कर देता हूं 9 × 6, और दोनों का योग नीचे, मतलब 9 और 6 कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 15 इंटू समय के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, तो 6 से आपका 6 कैंसिल, 5 से आपका 15 तीन बार कैंसिल, 3 से आप 9 कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो आपकी जो यहां से जो यहां तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा ना। बेसिक से आप एक बार घर पे ट्राई करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन है कि एक स्टीमर की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है, पार्ट फर्स्ट जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, तब इस सवाल को आप इजीली यहां पर सोल्व कर जाओगे। सबसे पहले बोला है कि एक स्टीमर की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापिस आता है। तो देखिए यहां पर आप समझिएगा वी प्लस यू और ये क्या हो जाएगा आपका वी माइनस यू। तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि आप जब भी इस तरीके से समय हो तो जो ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू जो है, जैसे 4 गुना समय, तो 4 आपको ऊपर रखना है, जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर, और यहां पर क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ये आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, तभी ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये टाइप नंबर 7 उसी पर बेस है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक स्टीमर की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति, देखिए धारा की गति इस बार दी हुई है, यानी कि यू बराबर आपका दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, तो पूछा क्या है कि वी की आपको वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब स्टीमर की चाल आपको बताना है। देखिए दो तरीके हो सकता है, एक तो आपका योगांतर अनुपात लगता है यहाँ पर, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा वी प्लस यू बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4v माइनस, ये हो जाएगा आपका 4u। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो देखिए माइनस का 4u और ये प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5u बराबर, इसको v को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3v। इतना तो आप कर सकते हो। अब आपको देखिए u की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, मतलब धारा का वेग यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर लगती है तो ये क्या हो जाएगा 5 × 6 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3v। तो इसको कैंसिल कर लिए 3 से 2 टाइम, तो v बराबर आपको ज्ञात करना है, तो v बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी
स्पीड, तो वीक स्पीड आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इन दोनों का सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखिए वी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री में से वन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री वी हो जाएगा, और इन दोनों का आपको योग करना पड़ेगा यू और यू। तो यहां पर क्या होगा, एक बार आप योग कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, फाइव यू। तो देखिए ये वाली इक्वेशन ही बन गई आपकी थ्री यू और 3V। या तो आप योगांतर अनुपात से कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में दो गुने समय में तय करता है। तो धारा की दिशा की चाल आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, ज्ञात करनी है। इस बार आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो करने का आपका तरीका क्या होगा, v प्लस यू डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर टू टाइम्स बोला है ना, तो टू और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका वन। मैंने आपको बताया था या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर योगांतर अनुपात में क्या होगा, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस करना पड़ता है, तो दो में से एक जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये वन वी बराबर, और इन दोनों का आपको योग करना पड़ता है, तो एक बार योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3u हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है कि व्यक्ति की चाल दी हुई है, तो व्यक्ति की चाल मतलब v बराबर आपको दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और u की वैल्यू आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको v की वैल्यू दी है, तो v की वैल्यू रख दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5 बराबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3u। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका u, मतलब धारा का वेग आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर एट नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए टाइप नंबर एट में आपको क्या बोला गया है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो वह इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में कितनी देर से तय करेगी, ये आपको यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, बोला क्या गया है, उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस को यहां पर सोल्व करना चाहिए। तो शांत जल में एक मोटर बोट की चाल कितनी है, यहां पर देखिए शांत जल मतलब आपका वी बराबर, यहां पर स्पीड आपको गिवन है कितनी है, 45 किलोमीटर पर आ रही है, क्या हो गई आपकी स्पीड हो गई है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो वह इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जो है कितनी देर में तय करेगी, वो आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। यहाँ पर ये बोला है कि यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए आपको पता है कि धारा की दिशा यानी कि v प्लस यू बराबर 80 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय यहाँ पर कितना लग रहा है, 1 घंटे 20 मिनट, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटे और ये हो गए आपके 20 मिनट। अब आपको पता है देखिए ये है आपकी चाल, चाल बराबर स्पीड बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला पता है ना, तो ये तो हो गई आपकी स्पीड v प्लस यू, ये हो गई आपकी दूरी और ये हो गई आपकी समय। अब आपको देखिए 1 घंटे 20 मिनट यहाँ पर बोला है तो इसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा 1 घंटे 20 मिनट, यानी टोटल अगर मिनट में इसको कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 मिनट, 80 मिनट तो 80/60, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपका क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए 80/60 होगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इधर मैं साइड बता रहा हूँ 1.2, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करोगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा, और 80 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 80/60, तो 80/60 तो 60 डिवाइड में तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये चाल आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा वी प्लस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको देखिए आगे क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, आगे बोला है कि तो वह इतनी ही दूरी, मतलब आपकी दूरी अभी भी सेम है, दूरी कितनी है जो कि आपको दी हुई है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करनी हो तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आपको धारा की चाल ज्ञात करनी पड़ेगी, तो देखिए यहाँ पर आपको v की वैल्यू दी हुई है, तो v की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो v रखता हूं मैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 45 प्लस कितना हो जाएगा u बराबर आपका कितना है 60 है, तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो u बराबर कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए u बराबर हमने निकाल लिया कितना आया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि धारा के विपरीत जब हम जाते हैं तो क्या होता है v माइनस यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 45 में से आप माइनस कर लीजिए 15, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 30 किलोमीटर प्रति
घंटा, तो स्पीड आपकी कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ज्ञात करना है समय, तो समय बराबर आपका होता है डी अपॉन एसी, यानी डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड। डिस्टेंस आपको दी हुई है 80 बटे आपका यहाँ पर स्पीड कितनी दी हुई है 30, तो इसको आप सोल्व कर लिए। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 2 = 6 बच जाएंगे आपके कितने 2/3। तो देखिए ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे 20 मिनट। तो इसको जो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 2 घंटे और 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 40 मिनट। तो 2 घंटे और 40 मिनट यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल आपको यहां पर क्या करनी है फ्रेंड्स यहां पर ज्ञात करनी है। धारा की चाल इस बार आपसे धारा की चाल यहां पर पूछी गई है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है कि शांत जल में एक नाव की चाल जो है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको v बराबर आपको गिवन है यहां पर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है आपको स्पीड दी हुई है। यहां पर बोला है कि यदि धारा के प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल मतलब आपका होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको पता है कि जब वी माइनस यू यानी कि धारा के प्रतिकूल क्या होता है वी माइनस यू बराबर 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपका 6 घंटे का समय लगता है, तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो। तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 × 7 = 42 बच जाएंगे आपके कितने बच जाएंगे 3.65 × 30 यानी ये स्पीड कितनी हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके सामने यहाँ पर क्या है वी माइनस यू बराबर आपको हमने निकाला जैसा कितना आया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके सामने v की वैल्यू दी हुई है, तो बस यहाँ पर आप v की वैल्यू रख दीजिए। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 10 - u बराबर क्या हो जाएगा 7.5। तो इसको इधर लाएंगे तो u बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो आपसे क्या है पूछा है कि धारा का वेग या धारा की चाल क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर टाइप नंबर नाइन यहाँ पर देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ना, तो इसको करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। हालांकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे कम समय में हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। बोला क्या है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखिए शांत जल मतलब आपका क्या होता है कि v बराबर आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है आपकी स्पीड है। 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस लौटने में, देखिए यहां पर ये समझ में आना चाहिए आपको कि बोला क्या है। देखिए यहां पर मैं दो बिंदु बना रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहां पर क्या हुआ है कि ये जो है 60 किलोमीटर की दूरी है ना, बोला क्या है कि 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस आना है, मतलब सबसे पहले तो आपको धारा के साथ जाना है और वापस धारा के विरुद्ध आना है, और ऐसा करने में जो है 4.5 घंटे लगते हैं, मतलब टोटल आपका समय कितना लगता है टोटल टाइम आपका कितना लगता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल टाइम आपका लगता है 4.5 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल आपको बताना है यानी कि यू बराबर आपको क्या करना है फ्रेंड्स ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको जो है वैल्यू पुट मेथड से करने होंगे, मतलब आपको ऑप्शन के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेंगे। तो यहां पर आप समझिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पता है कि 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा वी प्लस यू, और धारा के विपरीत जाए वापिस से भी तो आना है जाना है और फिर वापिस रिटर्न भी आना है तो वी माइनस यू, और टोटल आपका समय कितना लग रहा है फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4.5, ये क्या है आपका समय लग रहा है। अब आपको यहां पर देखिए ये है आपकी क्या है चाल और आपकी क्या हो जाएगी दूरी बटे यहां पर क्या है आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे क्या होता है फ्रेंड्स चाल होता है। इतना आपको यहां पर समझ में आता है कि दूरी बटे क्या होता है फ्रेंड्स आपका ये चाल होता है। थोड़ा सा मैं आपको इरेज कर देता हूं है ना। देखिए अब आपको बताया यहां पर कि ये क्या है आपकी स्पीड है, वी प्लस यू क्या है चाल है, और ये भी क्या है चाल है, और दूरी आपकी कितनी है फ्रेंड्स ये है आपकी 60 किलोमीटर की दूरी है, और ये भी क्या है आपकी 60 किलोमीटर की दूरी है। अब आपको यहाँ पर टोटल समय लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी टोटल समय हो तो आपको क्या करना पड़ता है बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर क्या बन चुकी है 60 v + u + 60 v - u बराबर आपको कितना समय लगता है 4.5
और मतलब घंटे लगते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको V की वैल्यू पता है कितनी है, 30 है ना। U की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन किस तरीके से पुट करना है, किस तरीके से चेक करना है, वो आपको मैं बताता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेसिक, मतलब आप समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका कॉमन सेंस यहाँ पर क्या बोलता है कि जब आप धारा के साथ जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, इतना तो आपको पता है क्योंकि धारा भी आपको क्या है स्पीड देगी, है ना। तो धारा के साथ जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन जब आप धारा के विरुद्ध आओगे तब आपको क्या लगेगा, ज्यादा समय यहाँ पर लगने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जो है डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर जो है स्पीड, ये क्या है, यहाँ पर आपका ज्यादा वाला समय आना चाहिए और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कम वाला समय निकल के आना चाहिए। और टोटल समय कितना आना चाहिए, 4.5 आवर। तो यहाँ पर आपको देखिए v बराबर 30 है, तो देखिए यहाँ पर अगर v बराबर 30 रख दिया जाए, है ना, मैं ऑप्शन के थ्रू आपको बताने वाला हूँ ना, v बराबर अगर आप 30 रख देते हो और यहाँ पर आप जो है v बराबर, तो यहाँ पर आपका v बराबर 30 और u बराबर अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, अगर u बराबर अगर आप 10 रख देते हो तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 30 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 30 और 10 40। और यहाँ पर भी v की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 30 और माइनस, तो देखिए u बराबर भी आपको 10 ही रखना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 20, 20 को 60 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समय कितना जाएगा 3 घंटे। वहीं यहाँ पर इन दोनों को योग करोगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा 1.5। अब इन दोनों का योग करने पर आपका समय कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 4.5 और, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज मुझे खुद से करना हो तो यहाँ पर आसानी से भी आप कर सकते हो। तो वैल्यू पुट मेथड से आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, है ना, तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। देखिए वापस आ जाती है मतलब पहले गई होगी फिर वापस रिटर्न आई होगी ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा आपको करना पड़ेगा। इस बार आपको यू दिया हुआ है, यू बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और v बराबर इस बार आपसे पूछ लिया है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको v दिया हुआ था और u पूछ लिया था। अब यहाँ पर आपको पता है कि टोटल आपको 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो टोटल आपको क्या लग रहे हैं 3 घंटे। अब यहाँ पर मैं पूरा आपको डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा, सीधा सा बता रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको पता है कि दूरी एक बार यहाँ पर धारा के साथ जाएगा तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी 12, और ये क्या हो जाएगी आपकी 4 v + u, उसी के साथ प्लस का साइन यहाँ पर, फिर 12 गए हो तो 12 वापस आपको रिटर्न भी तो आना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका v - u। अब ये v + u और v - u क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको पता है कि धारा के साथ जाओगे तो v + u, धारा के साथ धारा के विपरीत आओगे तो v - u, बराबर टोटल आपको कितना समय लगता है 3 घंटे। मतलब इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपका जो योग हो वो 3 घंटे समय आना चाहिए। और आपको यहाँ पर पता है कि जब आप धारा के विरुद्ध आते हो तो इसका समय आपका हमेशा ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप धारा के विरुद्ध आओगे तो धारा भी आपकी जो है स्पीड कम करती है, तो ये यहाँ पर आपका समय हमेशा ज्यादा वाला आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर पता है कि यू बराबर 3 दिया हुआ है, तो यू आपका ये हो जाएगा 3, है ना। इसी के साथ आपसे पूछा है कि वी आपका क्या हो सकता है, तो देखिए ऑप्शन में आपका 8 है 9 है 10 है और 11 है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन 8 रखता हूँ तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 12 डिवाइड ही नहीं होगा, 12 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा। उसके बाद जब आप ऑप्शन नंबर बी रखोगे 9, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं वी की वैल्यू 9 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12 12 से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ये 1 निकल के आ जाएगा प्लस। यहाँ पर अगर वी की वैल्यू मैं 9 रखता हूँ तो यू मुझे पता है कितना है यहाँ पर 3 है, तो माइनस, तो देखिए 9 - 3 तो कितना हो जाएगा 6 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो देखिए बराबर आपका क्या आना चाहिए 3 घंटे। तो जी हाँ आपका आंसर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा फ्रेंड्स 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी बराबर आपकी स्पीड आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वापिस आ जाता है, मतलब 8 घंटे टोटल उसको क्या लग रहा है यहाँ पर समय लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि टोटल आपका समय कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 घंटे हो जाएंगे, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स समय हो गया। अब बोला है कि टोटल जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर आपकी जैसे ये जो टोटल आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है 30 किलोमीटर की फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो गई है टोटल आपकी डिस्टेंस हो गई है, जिसमें बोला क्या है कि यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुना है,
तो यहां पर आपको पता है कि नाव की v हो जाएगी और धारा की स्पीड क्या हो जाएगी u, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4:1, इतना तो आपको पता है। देखिए यहां पर क्या बोला है कि नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुना है, तो अगर धारा की 1 होगी तो नाव की कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 4 हो जाएगी। अब बोला है कि धारा की जो आपको यहां पर क्या बताना है फ्रेंड्स स्पीड यहां पर आपको बताना है, यानी कि u बराबर आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सोल्व करोगे यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पता है कि धारा की दिशा में जाएंगे तो ये क्या होगा यहां पर v प्लस u हो जाएगा, उसके साथ यहां पर धारा की विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस u, लेकिन डिस्टेंस आपकी क्या है यहां पर कॉन्स्टेंट है, मतलब जो आपकी दूरी है वो यहां पर नियत है, और टोटल आपका जो समय लग रहा है वो लग रहा है फ्रेंड्स 8 घंटे। तो देखिए यहां पर आपको जो रेशियो दिया है सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लिए, देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा v बराबर आपका कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4u, तो इसको क्या करा हमने फ्रेंड्स सोल्व कर लिया। अब आपको पता है कि जब धारा की दिशा में जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी v प्लस u, धारा के विपरीत में क्या हो जाएगी फ्रेंड्स v माइनस u, इतना आपको पता है। अब यहां पर आपको पता है कि समय बराबर, देखिए यहां पर समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका मैं लिख देता हूं, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी स्पीड, तो डिस्टेंस आपकी है यहां पर 30 किलोमीटर है ना, उसके बाद देखिए स्पीड यहां पर क्या है धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स v प्लस u हो जाएगा, उसके बाद टोटल समय दिया हुआ है तो यहां पर हमें प्लस करना पड़ेगा है ना, टोटल समय है तो प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पर जाने के बाद फिर से 30 किलोमीटर की दूरी वापस आना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स v माइनस u बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको पता है यहां पर फ्रेंड्स कि देखिए यहां पर आपको क्या बोला है कि धारा की आपको क्या करना है फ्रेंड्स स्पीड ज्ञात करना है, तो धारा की अगर चाल ज्ञात करना है तो यहां पर आपको पता है कि v बराबर 4u है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि v की जगह 4u रख देंगे, तो देखिए यहां पर अगर मैं v की जगह 4u रख देता हूं तो कितना हो जाएगा 30, और यहां पर 4u रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4u plus u यानी कितना हो जाएगा टोटल 5u हो जाएगा, प्लस यहां पर भी v की जगह हम रख देंगे 4u तो यहां पर रखेंगे 4u, तो 4u में से अगर u घटेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 30/3u हो जाएगा, बराबर कितना लगता है 8 घंटे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए कि 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 30, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 6/u प्लस 10/u बराबर कितना हो जाएगा आपका 8r, ये आपको क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर आपके हर जो है समान तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूं 16/ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स u बराबर आपका हो जाएगा 8, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, यानी u बराबर आपका कितना जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपकी हो जाएगी, तो यू पूछा है तो आपका ऑप्शन देखिए यहां पर ए वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन बोला है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए शांत जल बोला है यानी कि आपको पता है कि v बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या है स्पीड दी हुई है, यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, देखिए प्रतिकूल का मतलब होता है आपका अपस्ट्रीम, क्या होता है फ्रेंड्स अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है v माइनस u, तो v माइनस u बराबर आपका क्या है कि 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है, तो चाल निकल के आ जाएगी यहां पर कितना हो जाएगा 45 अपॉन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा यहां पर देखिए 3 की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 3 की टेबल से 2 टाइम 3 की टेबल से कितना हो जाएगा ये 15 बार, तो 15 से 2 से डिवाइड करेंगे तो v माइनस u बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या हो गई अपस्ट्रीम हो गई। अब देखिए v की वैल्यू आपको दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर पूछा क्या है कि धारा की चाल, तो देखिए v की जगह मैं क्या रख देता हूं यहां पर 10 रख देता हूं, तो 10 माइनस u बराबर आपका हो जाएगा 7.5, तो इसको इधर लाएंगे तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2.5 किलोमीटर पर आपकी क्या हो जाएगी ये धारा की चाल हो जाएगी, तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस लौटने में 4.5 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल आपको क्या करनी है फ्रेंड्स ज्ञात करनी। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ के रखिए, यहां पर हम वैल्यू पुट मेथड को यहां पर मैं बताऊंगा जिससे आप विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, लेकिन सबसे पहले आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से आपको वैल्यू पुट मेथड यहां पर यूज करना है। तो एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल, तो देखिए शांत जल यानी आपका हो जाएगा v हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 किलोमीटर प्रति
घंटा बोला है कि 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस लौटने में, देखिए यहां पर जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या कांस्टेंट है, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर की दूरी। सबसे पहले क्या बोला है कि धारा के विपरीत जाने में, मतलब ये यहां से यहां जाएगा तो धारा का विपरीत हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा, लेकिन जब आएगा तो धारा के साथ रिटर्न आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्पीड v प्लस यू हो जाएगी, इतना आपको पता है। तो बोला क्या है कि लौटने में टोटल आपका समय लगता है 4.5 घंटे, तो यहां पर आपका टोटल समय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4.5 घंटे लगते हैं। तो पूछा है कि धारा की चाल यानी कि u बराबर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी आपकी क्या है यहां पर कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, जैसा कि मैंने आपको बताया t बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड, ये आपका फॉर्मूला यहां पर यूज होगा है ना। तो देखिए दूरी आपकी कितनी है कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 60, तो यहां पर लिख दीजिए 60। अब बोला है कि सबसे पहले बोला है कि धारा के विपरीत जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी माइनस U हो जाएगा, उसके बाद यहां पर प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि टोटल समय दिया हुआ है, क्योंकि जाने और आने में टोटल आपका 4.5 घंटे लगते हैं, तो दूरी तो आपकी कांस्टेंट है, तो 60 किलोमीटर जाएगा तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा 60 किलोमीटर रिटर्न भी आना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी प्लस यू हो जाएगा, बराबर आपका समय कितना लगता है फ्रेंड्स 4.5 घंटे। अब आपको पता है कि v की जो आपको स्पीड दी हुई है वो कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर देखिए आप रख दीजिए 30, यहां पर भी रख दीजिए आप 30। पूछा क्या है आपको u जो है आपको यहां पर ज्ञात करना है, तो देखिए वैल्यू पुट मेथड आपको किस तरीके से यूज करना है वो आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। अब आपका कॉमन सेंस यहां पर क्या बोलता है कि जब आप धारा की दिशा में जाओगे मतलब v प्लस u से जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, क्योंकि आपको धारा का भी सपोर्ट यहां पर मिलेगा, धारा के साथ जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, मतलब इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तब आपको यहां पर कम समय लगना चाहिए, वहीं अगर यहां पर धारा के विरुद्ध जाएंगे तो आपको ज्यादा समय लगना चाहिए फ्रेंड्स, और इन दोनों का ही योग कितना आना चाहिए फ्रेंड्स 4.5 घंटे आना चाहिए। तो अब आपको यहां पर ऑप्शन दिखना, देखिए ऑप्शन ए क्या है 8 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी जो है 10 और ऑप्शन डी 11 है। तो देखिए यहां पर अगर आप वी 30 है, अगर यू को अगर 8 रखते हो तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 38, यानी कि 60 में अगर आप 38 का डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। उसी प्रकार 9 भी रखोगे तो क्या हो जाएगा 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, 39 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए 10 रख के देखिए अब तो क्या हो जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 20। तो देखिए 30 में से 10 घटाएंगे तो 20, 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 3 प्लस। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 40, 40 से अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1.5 आ जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना हो गया देखिए 3 प्लस 1.5 कितना हो रहा है 4.5। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर अदर तरीके से आप बेसिक तरीके से करोगे तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर एग्जाम में काफी समय यहाँ पर आप ले सकते हो, तो इस वैल्यू पुट मेथड से आप इसको विद इन अ सेकेंड सोल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए धारा की दिशा में बोला है ना, तो आपको पता है कि वी प्लस यू 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि टोटल आपका समय जो है वो कितना लगा है 3 घंटा, यहाँ पर क्या है फ्रेंड टोटल आपका समय लगा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि यू बराबर आपको दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो वी बराबर आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स ज्ञात करना है, और नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर क्या करती है फ्रेंड्स तय करती है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या है 12 किलोमीटर की जो है दूरी क्या कर रही है फ्रेंड्स, ये 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। सेम टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये 12 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाएंगे तो आपका क्या होगा वी प्लस यू होगा, लेकिन जब वापस से आप रिटर्न आओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर वी माइनस यू हो जाएगा। टोटल समय आपका क्या है फ्रेंड्स 3 घंटे, तो बस आपका समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, वी प्लस यू से आप जाओगे प्लस 12 किलोमीटर वापस आपको रिटर्न आना, तो वी माइनस यू की स्पीड से आओगे और बराबर आपको 3 घंटे का समय लगना चाहिए।
चाहिए। अब यहां पर देखिए यू बराबर आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी यू की जगह आप 3 रख दीजिए, यहां पर भी आपको 3 रखना है। अब आपको पूछा है क्या वी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, तो देखिए ऑप्शन लेके चलिए। अब यहां पर आपको समझ में आता है कि वी प्लस यू है, तो ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स, कम समय यहां पर निकल के आएगा, क्योंकि आपकी धारा की भी चाल यहां पर क्या है, एड है। तो आपको यहां पर कौन सी वैल्यू रखना है जिससे आपका जो है दोनों का योग करने पर 3 आंसर यहां पर आ जाए। तो देखिए ऑप्शन यहां पर 8 और 3 करेंगे तो 11, तो 12 से 11 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। यहां पर जैसे ही आप 9 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 यानी कि 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1, प्लस यहां पर फिर आप 9 रख दिए तो 9 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 6, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि दोनों का योग कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 3 घंटे यहां पर निकल के आ रहा है। तो आपका यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर होगा। तो ये होता है आपका वैल्यू पुट मेथड, जिससे आप विद इन अ सेकंड क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन बोला है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको बोला क्या है कि धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम होता है आपको पता है, तो v माइनस यू बराबर देखिए आपको दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ, तो दूरी बटे समय बराबर आपका क्या आ जाएगा चाल, तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहां पर आप समय बचा सकते हो तो 6/24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आर, ये क्या हो जाएगी आपकी स्पीड। उसके बाद बोला है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा यानी क्या हो जाएगा v प्लस यू बराबर देखिए 20 किलोमीटर की दूरी है 4 घंटे में करता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, तो ये आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 5 किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड हो जाएगी। तो बोला क्या है शांत जल यानी कि आपको v बराबर ज्ञात करना है और u बराबर आपको ज्ञात करना है, शांत जल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पर एक तरीका ये होता है कि v ज्ञात करना है तो दोनों का योग कर लिए तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आप आपकी क्या हो जाएगी ये v आ जाएगा, और u ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस 4 - 5 तो कितना हो जाएगा 1, 1 को डिवाइड कर लिए सिर्फ 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी u आ जाएगा, तो 4.5 v आ जाएगा और u आपका कितना हो जाएगा 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसको, इक्वेशन सेकंड बना लो और घटा दो तो भी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी सवाल करने का ये तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय यहाँ पर लगेगा। देखिए इस तरह इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करो तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। बोला क्या है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका v प्लस यू, अब यहाँ पर दूरी है 15 किलोमीटर, समय लगता है आपका 1 घंटा, तो आपकी स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो स्पीड आपकी यही हो जाएगी। आगे बोला यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि u बराबर आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आर दिया हुआ है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि v माइनस यू सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना है और उसके बाद डिस्टेंस आपकी कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर, ये सिंपल सा फंडा है यहाँ पर कि u दिया हुआ है तो u की जगह आप रख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो v प्लस 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा 15, तो v बराबर आपका कितना आ जाएगा ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको v माइनस यू निकालना है, तो देखिए v है आपका 10 और u है आपका 5, तो v माइनस यू बराबर आपका 10 - 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है आपकी स्पीड है, और आपको दूरी कितनी तय करनी है सेम डिस्टेंस यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो पूछा क्या है आपको टोटल समय यहाँ पर कितना लगेगा, तो समय बराबर आपका होता है फ्रेंड्स दूरी बटे चाल, तो दूरी आपको दिया हुआ है दूरी बटे स्पीड हो जाएगा ना, तो दूरी आपको 15 किलोमीटर दी हुई है, चाल आपकी यहाँ पर क्या है v माइनस यू, क्योंकि यहाँ पर आपको अपस्ट्रीम में आना है तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 घंटे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्या बोला है, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है,
वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में दो गुना समय लेता है। तो धारा की चाल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्ञात करना है। सिंपल सा फंडा बोला है कि एक व्यक्ति शांत जल में, तो देखिए शांत जल यानी क्या हो जाएगा, v बराबर 7.5 किलोमीटर एक घंटे में, तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम में जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में दो गुना समय लगता है। तो देखिए v प्लस यू वी माइनस यू बराबर आपका रेशो कितना हो जाएगा, 2:1 का रेशो हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। बोला क्या है कि आपको धारा की चाल ज्ञात करना है, यानी कि यू बराबर आपको ज्ञात करना है। देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। दूसरा आपका योगांतर अनुपात होता है, तो यहां पर आपको वी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2-1 तो कितना हो जाएगा, 1v हो जाएगा, और यू निकालना है तो इन दोनों का योग कर लिए तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3u। अब देखिए v आपको यहां पर पता है, क्वेश्चन में दिया है 7.5, तो v की जगह यहां पर मैं क्या रख देता हूं, 1 × 7.5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3u। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 6 और 3 × 5 = 15। तो u बराबर आपका कितना जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका योगांतर अनुपात, चाहो तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल बोला है, मतलब सीधा सा आपका फंडा है कि बी बराबर बोला है आपको 6 किलोमीटर पर आर। बोला है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि यू बराबर आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आर, ये क्या है आपकी स्पीड है। बोला है कि धारा की दिशा में कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी आपको यहां पर ज्ञात करनी है, डिस्टेंस आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि ये आपकी क्या हो गई फ्रेंड्स, डिस्टेंस हो गई, हमको नहीं पता, तो डिस्टेंस बराबर आप यहां पर एक्स मान लीजिए। बोला क्या है कि धारा की दिशा में जाने में, मतलब सबसे पहले आप धारा की दिशा में जाओगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका वी प्लस यू, और धारा के विपरीत आओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका वी माइनस यू। तो देखिए v और u आपको दिया हुआ है तो v प्लस यू निकाल लीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा v प्लस यू आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6/2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। और v माइनस यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर लीजिए 6/2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आर। और यहाँ पर बोला क्या है कि 4 घंटे अधिक समय लगता है। देखिए ये समय जो है ना अधिक लगता है, टोटल आपका समय नहीं दिया हुआ है, सिर्फ समय दिया हुआ है जो कि 4 घंटे अधिक लगता है। देखिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और दूसरा यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूरी x मान लेते हैं, तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी अगर x है तो यहाँ पर आपकी चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ जाओगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस। अब माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि 4 घंटे अधिक ले रहा है, अधिक और कम ले तो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी x, क्योंकि देखिए सबसे पहले x किलोमीटर जाएगा लेकिन आएगा तब भी दूरी आपकी x ही रहेगी, यानी कि दूरी आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पर नियत है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, 4 बराबर आपका 4 घंटे। अब आप इसको यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 4x - 8x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x/8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 32 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 32 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आपके डिस्टेंस क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या होती है कि चालों का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी 8 × 4, तो 8 × 4, और यहाँ पर जो है चालों का डिफरेंस जो है वो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, समय। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो 4 से 4 कैंसिल, 8 × 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक, अदरवाइज आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए इससे पहले वाले समय में यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या बोला था, कि 4 घंटे अधिक समय लेती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल आपको 3 घंटे लगते हैं। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी है, ये क्या हो गया आपकी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर एक्स दूरी है, तो यहाँ पर जाएगा फिर आएगा, तो आने और जाने में टोटल आपका समय कितना लग रहा है फ्रेंड्स, ये लग रहा है आपका 3 घंटे। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, नाव की चाल है, तो वी बराबर आप लिख लीजिए 5 किलोमीटर पर आ।
उसके बाद यू बराबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, धारा की चाल दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बोला है कि धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ जाएगा मतलब वी प्लस यू बराबर इन दोनों का योग कर लिए कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, दोनों का डिफरेंस 5 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बेसिक तरीके से आपको होमवर्क में करना है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, बेसिक तरीके से आपको करना है, देखना है आपका आंसर यहाँ पर सेम आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, योग करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक आपको किस तरीके से कर सकते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि चालों का मल्टीप्लाई ऊपर, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है 8 × 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है तो आपको योग करना है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है आपको टोटल 3। अब यहाँ पर देखिए समय आपका घंटे में, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपकी सेम यूनिट है तो आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, अगर मिनट में दिया होता तो घंटे में चेंज करना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, और 48 और डिवाइड में 10 है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। देखिए धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है, यानी कि v माइनस u, बोला क्या है कि 1 किलोमीटर की दूरी, समय आपका कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है आपका 10 मिनट, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो डिवाइड में यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 से 10, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, इतना तो आप सोल्व कर ही सकते हो। उसके बाद बोला है कि धारा के साथ जाने में उतनी ही दूरी, दूरी यहाँ पर सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 1, है ना, ये मल्टीप्लाई होगा बीच में, आप इसको 160 मत कर देना ना, क्योंकि 1 ये डिवाइड में 60 है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस 1 है, समय कितना है 4 है, इसको अगर घंटे में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 60, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना तो आपको यहाँ पर करना आता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो बोला क्या है कि धारा की चाल आपको ज्ञात करनी, मैंने आपको क्या बताया था, जब धारा की चाल आपसे पूछी जाए तो आपको यहाँ पर यू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, तो 15 में से यहाँ पर 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे फ्रेंड्स 9, और डिवाइड बाय 2 कर लेना है, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगी आपकी 4.5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आपकी स्पीड आ जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने हाई लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन किया फ्रेंड्स, जिसमें आपको अगर आप बैंक एसएससी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।